Hello everyone, this is Deepak Sharma and you are watching Son of a Soldier guys. In this video guys, I am going to tell you about my experience of buying a new laptop. Yes guys, buying a new laptop for the first time, it's a very crucial thing. Like isme puri hamari critical thinking lag jati hai. So in this video guys, I will tell you what I considered while buying a new laptop. Like bahut sari cheeze maine consider kari thi apne naye laptop ko buy karne ke liye. Like kaun si company ka laptop mujhe lena chahiye, kaun sa variant mujhe lena chahiye and like ब्रांड कौन सा होना चाहिए और ब्रांड भी मैंने देख लिया. उसके बाद अवेलेबिलिटी देखनी है कि अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे इनके प्राइस में डिफरेंस क्या है. एंड जब आपने ऑनलाइन मार्केट में एक बार इसको देख लिया है तो अब आपको ये भी देखना जरूरी है कि ऑफलाइन मार्केट में इसका क्या प्राइस है. लाइक जो लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है ना, मैं आपको पहले बताता हूँ कि मेरे लैपटॉप का जो लाइक प्राइस है ऑनलाइन प्राइस ये 54,000 है अमेजोन पे, बट इसका जो ऑफलाइन प्राइस था वो था 49,300 रुपीज आफ्टर बार्गेनिंग. ऐसा होता है कि आप किसी ऑफलाइन मार्केट में अगर जाते हैं लैपटॉप को बाय करने तो वहां पे बार्गेनिंग हो जाती है इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. वहां पे भी लोग बार्गेनिंग करते हैं, मैंने भी करी थी और वहां पे मेरे लैपटॉप का प्राइस 51,000 रुपीज बताया था, बट आफ्टर द बार्गेनिंग मुझे लैपटॉप मेरा 49,000 रुपीज का पड़ा था और उसमें एक वायरलेस माउस भी आया था. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारा बजट क्या होना चाहिए जब हम एक नया लैपटॉप बाय कर रहे हों. सो गाइज, ऐसा हो सकता है कि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे होते हैं और उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने सीएस ले रखा होता है, तो उस टाइम पे वो लोग ये सोचते हैं हमें किस तरह का लैपटॉप लेना चाहिए, जो लैपटॉप मैं लूँगा वो बल्कि तो नहीं होना चाहिए और कितनी रेंज का लैपटॉप सही रहता है सीएस के लिए या और अदर स्ट्रीम्स के लिए भी. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें किसी भी तरह का लैपटॉप चाहिए तो हमें पहले बजट डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप्स मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनीज के हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने पहले अपना बजट डिसाइड कर लिया. सपोज दैट अगर 30,000 के लैपटॉप चाहिए तो 30 से 40,000 के लैपटॉप में वेरिएंट कौन सा मिलेगा. 30 से 40,000 के लाइक रेंज में हमें वेरिएंट मिलेगा i3 मिलेगा, मैं शायद SSD मिले या ना मिले. अगर SSD मिलता है, मिलता भी है तो 256 GB का मिलेगा. प्रोसेसर आपको i3 मिल रहा है और उसमें ग्राफिक्स एज सच बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इनबिल्ड ग्राफिक्स होगा, शेड में भी 1 GB या 2 GB का ग्राफिक्स होगा, तो उसमें आपको इतना अच्छा वेरिएंट नहीं मिलेगा. बट मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपका रेंज 50,000 रुपीज नहीं है, अगर आपका रेंज 36,000 रुपीज है या 35,000 रुपीज के बीच में है और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कोई ऐसा फास्ट लैपटॉप मिले जो आगे जाकर इसमें बूटअप में और शटडाउन में उतना टाइम ना लगे और जितना प्रोसेसिंग है वो जल्दी हो, सो आप एक चीज आप याद रखो कि अगर आपके प्रोसेसर में i3 भी है, ठीक है, और अगर आपके लैपटॉप में SSD है, सो SSD और जितने पहले के लैपटॉप आते थे उसमें हार्ड ड्राइव होती थी, हार्ड ड्राइव वाले लैपटॉप थोड़े स्लो हो जाते थे आफ्टर द यूजेज, बट SSD के लैपटॉप शायद क्वाइट इंप्रेसिव, उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है. तो अगर आपका प्रोसेसर i3 है बट आपके लैपटॉप में SSD है तो उसकी स्पीड आपकी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, नो डाउट. सो अगर आपका रेंज कम भी है तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप i3 ले लें, और अगर आपके लैपटॉप में अगर जो उसका SSD है अगर 256 मिलती है या 512 मिलती है 36,000 की रेंज में तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, स्पीड से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. मैं कंपनी की बात में करूंगा क्योंकि सबसे पहले क्यों क्या होता है कि बहुत सारे लैपटॉप होते हैं HP के लैपटॉप क्वाइट थोड़े से महंगे रहते हैं क्योंकि ये बिल्ड क्वालिटी की से जाने जाते हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है. फिर डेल के लैपटॉप होते हैं, डेल और HP के लैपटॉप मोस्ट प्रोबेबली कंपेरेबल एक जैसे ही रहते हैं, बट फिर आते हैं एसर ऑफी दिस तरह के इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज आती हैं. सो पहले हमने बजट डिसाइड कर लिया एंड देन हमने अपना वेरिएंट डिसाइड कर लिया. सपोज दैट अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको i5 चाहिए हैं और आपको SSD चाहिए, 512 SSD चाहिए और उसमें आपका ग्राफिक्स भी होना चाहिए, ये जो वेरिएंट है लैपटॉप का ये ये बहुत हाई वेरिएंट होता है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में. सो अगर आपको अपने केवल अपनी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करनी है, आपको केवल ऐसे मीडिया कॉल वर्क्स करने हैं तो आपके लिए i3
प्रोसेसर्स बहुत वेल परफॉर्म करेंगे, बट अगर आपको करना है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको गेम्स प्ले करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है जो i3 के लैपटॉप उतना प्रोसेस नहीं कर पाते और हैंग हो जाते हैं. सो ये जो लैपटॉप होते हैं, ये लैपटॉप आपकी वीडियो एडिटिंग भी कर लेंगे, आपके अगर सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं जिसमें रेजोल्यूशन FPS ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये जो फिफ्थ i5 के जो लैपटॉप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. गाइज, एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मुझे पता चली थी कि जब भी आप किसी लैपटॉप को बाय करें, सपोज दैट i3 है या i5 है, इनकी जनरेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि किस जनरेशन का ये लैपटॉप एक्चुअली में है. i3 के लैपटॉप भी बहुत अच्छे होते हैं, बट ये अगर आपको 7th या 8th जनरेशन में मिलता है तो आपको नहीं कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है ये 9th जनरेशन में हो. अगर 9th जनरेशन 8th जनरेशन का लैपटॉप है ये, अब तो अच्छी बात है. जो i5 वाले लैपटॉप होते हैं वो 9th या 10th या अब जो न्यू आया है वो 11th जनरेशन तक आया है. सो जो मेरे पास लैपटॉप है ये i5 का 11th जनरेशन लैपटॉप है. 3rd मार्च को मैंने अपने लैपटॉप को बाय किया था, तो मैंने अपने लैपटॉप को मोर देन अ मंथ चला के देख लिया है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अब बता सकता हूँ जो मैं पहले मुझे लैपटॉप के बारे में नहीं पता था. होता क्या है गाइस, जब आपको इस लैपटॉप को बाय कर लेते हो देन आपको समझ में आता है यार मैंने ये चीज़ कंसिडर नहीं करी, मैंने ये चीज़ कंसिडर नहीं करी, या मुझे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए थी. लाइक जो मोस्ट प्रोबेबली इस लैपटॉप को यूज़ करने के बाद मुझे लगा वो था बैटरी का. मैंने मुझे चेक करना चाहिए था कि लैपटॉप का जो अडेप्टर होता है वो अडेप्टर की कितनी सप्लाई, कितने वॉट का वो अडेप्टर है. सपोज दैट मेरे एसर का जो चार्जिंग अडेप्टर है वो 45 वॉट का है. इट मीन्स जितने जो HP के मैंने लैपटॉप देखे हैं वो उनका जो अडेप्टर होता है वो 65-70 वॉट का होता है. इट मीन्स इससे जस्ट डबल है, तो उनके जो चार्जिंग की स्पीड है वो बढ़ जाती है. सो अगर मेरा लैपटॉप 1.5 आवर लेता है मेरे लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, अगर मैं इसकी अडेप्टर की वॉट को बढ़ा दूंगा तो मैं जो टाइम है चार्जिंग का वो श्योरली कम हो जाएगा और 30 मिनट या 45 मिनट्स में मेरा लैपटॉप चार्ज हो जाएगा. सो ये चीज़ आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है पहले, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. थर्ड हम बात करते हैं कि लैपटॉप का कौन से ब्रांड को हमें चूज़ करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल HP इज़ देयर, Dell इज़ देयर, Asus इज़ देयर, Acer इज़ देयर एंड सो मेनी एंड वन लैपटॉप इज़ ऑल्सो देयर. वो जो बताते हैं कि पहले Asus से कंपनी थी, बाद में वो उससे हट गई, Vita के नाम से वो लैपटॉप अभी मार्केट में हैं. ये एक नई ब्रांड है, इम्प्रेसिव लैपटॉप्स हैं, इनकी जो लुक है वो बहुत अच्छी लगने वाली है आपको. बट क्या होता है कि गाइस जब भी अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, बट अगर आप फर्स्ट टाइम बने तो फर्स्ट टाइम पर आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. आप सेफली अपना स्विच करें कि HP के लैपटॉप मिल रहे हैं तो HP पे जाइए, Dell के मिल रहे हैं तो Dell के जाइए, या Acer के लैपटॉप भी बहुत बढ़िया होते हैं गाइस. सो ये चीज क्या हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया कि मैंने आपको HP के लैपटॉप महंगे होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद Dell आ जाता है, फिर उसके बाद Acer आ जाता है, फिर Acer आ जाते हैं. ये सब लैपटॉप कंपेरेबली अगर इनको लिस्ट करेंगे तो सबसे टॉप पर HP रहता है. इसके लैपटॉप थोड़े से महंगे रहते हैं अगर इसकी रेंज में देखा जाए तो. Now, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका बजट डिसाइड हो गया, आपका वेरिएंट डिसाइड हो गया, आपका लैपटॉप ब्रांड भी डिसाइड हो गया. नाउ अब क्या करना है, आपने एक पर्टिकुलर लैपटॉप को डिसाइड कर लेना है. सपोज दैट मैंने अपना लैपटॉप डिसाइड कर लिया था कि मुझे Aspire 5 लेना है. सो पहले मैंने इसकी ऑनलाइन प्राइसिंग देखी, ऑनलाइन प्राइसिंग इसकी 54,000 रुपीज़ थी, और फिर मैंने इसकी ऑनलाइन में Amazon पे देखा, Flipkart पे देखा, एंड देन आई सर्च इट ऑन दी ऑफलाइन मार्केट एज वेल. सो ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क मिला मुझे, जो मेरा लैपटॉप 54,000 रुपीज़ का था ऑनलाइन वो मुझे ऑफलाइन मार्केट में 49,300 रुपीज़ का मिला, विथ इनके साथ बैग भी मिलता है और आपको एक शायद वो आपको दे या ना दे मुझे वायरलेस माउस मिला था. लाइक वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू मैंशन हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जब आप मार्केट में एक लैपटॉप को लेने जाएं तो ये मत सोचना कि आपको जो अटेंड कर रहा है वो बंदा जो आपको सजेस्ट करेगा आप वो लैपटॉप ले लोगे. आप भले अपने फादर के साथ जाएं, ब्रदर के साथ जाएं, मदर के साथ जाएं, लेना आपको वही है जो आपने डिसाइड किया है. आपको सारी बेसिक नॉलेज मैंने इस वीडियो में आपको दे दी, आपको ये सब चीज़ें कंसिडर करनी है, क्योंकि जिस शॉप पर आप जाओगे वहाँ पर जितने भी लैपटॉप्स हैं वो सारे उनके लिए, जो लैपटॉप को सेल कर रहे हैं उनके लैपटॉप वो सारे अच्छे हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सुटेबल लैपटॉप कौन सा है. So this is the end of this video guys. I hope you like this video. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. And अगर आपके मन में कोई भी doubt है so guys हिचकिचाना नहीं है, direct आप मुझसे मेरे comment box में पूछ सकते हो, मैं आपको within 30 minutes reply दूंगा. So see you soon guys. जय हिंद.